कोरोना संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। ज्यादातर प्रभावित देशों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके कारण खाने पीने की समस्या और कैश की किल्लत हो गई है। थाईलैंड के लोगों ने कैश किल्लत की समस्या से निपटने के लिए मजबूरी में सोना बेचना शुरू कर दिया है। नोटबंदी के समय जिस तरह से भारत में बैंकों में लंबी लाइन देखने को मिली थी, ठीक इसी तरह से इस समय थाईलैंड के अंदर सोना बेचने वालों का तांता लगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस संकट के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है, तो ऐसे में नकदी की कमी से निपटने के लिए लोग अपना सोना बेच रहे हैं। सोना बेचने का मुख्य कारण, सोना इस समय अच्छे दाम पर बिक रहा है। अमेरिका के वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं को फिर से मजबूत करने के लिए अरबों डॉलर के प्रोत्साहन उपायों के बीच ही मंगलवार को सोने का भाव 1731.25 डॉलर प्रति औंस पर चल रहा है। बैंकों के अंदर सोने के भाव में एक सप्ताह के अंदर ही 20% तक का इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से लोग अपना लाभ लेने के लिए सोने के कंगन गहनों को बेचने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। यहाँ तक कि भारत में भी सोने के भाव में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि सोने का भाव आने वाले समय में 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रह सकता है।